हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑल इन टू डेज़ क्लास आई एम अमिता लेक्चरर बायोलॉजी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगंज राजपुरा डिस्ट्रिक्ट पटियाला स्टूडेंट्स आज हम यूनिट फोर्थ स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट फोर्थ में दो चैप्टर्स हैं वन इज़ बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड सेकेंड है बायो एंड इट्स एप्लीकेशन इन टू लेक्चर वो विल टेक अप द फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस इसमें हम मेनली जनरल प्रोसीजर ऑफ री कॉम्बिनेट डी एन ए टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे सो लेट्सटार्ट दैप्टर स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी जो है इसका आइडिया बेसिक आइडिया इसका डिस्कवर कौन था तो फादर ऑफ़ बायोटेक्नोलॉजी इज़ पॉल बर्ग एक तो आपने साइंटिस्ट का नाम याद रखना है कई बार एम में पूछा जा चुका है दूसरा हम कैसे बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं बाय, बायो living, so, बायो मीन्स लिविंग टेक्नोलॉजी मीन्स सम टेक्निक्स। सो बायोटेक्नोलॉजी इज़ द टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन बायोलॉजी कि हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर कुछ टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं ठीक है और वो सारे टेक्निक्स हम क्यों यूज़ कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बींग्स सो एक और डेफिनेशन हम समझने की कोशिश करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स ठीक है और एंजाइम्स फ्रॉम दोज ऑर्गेनिजम्स या वो ऑर्गेनिजम्स के कुछ प्रोडक्ट्स हैं कुछ प्रोटीन्स हैं कुछ एंजाइम्स हैं हम उनका यूज़ कर रहे हैं फॉर ह्यूमन वेलफेयर ठीक है टू प्रोड्यूस सम मोर प्रोडक्ट्स और सम प्रोसेस विच आर यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स सो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करना ठीक है किसी टेक्निक के साथ यूज़ करना फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बींग्स ये सारा बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आ जाता है अब बायोटेक्नोलॉजी इज़ ए रीसेंट ब्रांच ओके आप पढ़ोगे कि बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस एंड रिसेंट ब्रांच ऑफ साइंस है लेकिन स्टूडेंट्स यू विल बी अमेज टू नो कि फ्रॉम द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन बहुत पहले से ही बायोटेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को पता था प्रीवियस लेक्चर हमारा था रोल ऑफ माइक्रोव्स इन ह्यूमन वेलफेयर तो उसमें हमने चीज़ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने ये भी पढ़ा कि चीज़ बनाने की जो प्रक्रिया है वो एट थाउजेंड ईयर्स पहले से ही लोगों को पता थी उसमें भी हम माइक्रोब्स का यूज़ कर रहे थे तो वो भी क्या थी बायोटेक्नोलॉजी थी ऐसे ही क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन ठीक है सिलेक्टिव ब्रीडिंग इन प्लांट्स एज वेल इन इन एनिमल्स ये भी बहुत पुराने टाइम से प्रैक्टिस में लाई जा रही है हमने मैंडल के एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे उसमें उन्हें कितने ही प्लांट्स की सेलेक्टिव ब्रीडिंग की थी ठीक है ताकि उसको कुछ डिज़ायर्ड करैक्टर्स मिल सके तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ जो टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया वो बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है मेजर डिसएडवांटेज क्या है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का कि जब हम सपोज हम मैं क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो हम दो एनिमल्स को जब क्रॉस करते हैं एनिमल्स विद डिज़ायर्ड करैक्टर्स तो कुछ उनकी प्रोजनी में ऐसे भी क्रैक्टर्स अपीयर हो जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए ठीक है तो ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि अनडिज़ायरेबल करैक्टर्स आर आल्सो गेट एक्सप्रेस्ड ठीक है अलोंग विद द डिज़ायर्ड करैक्टर्स तो इसके लिए फिर जो रिसेंट ब्रांच है हमारी जिसको हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं वो इवॉल्व हुई अब हमें पता है डी एन इज़ द जेनेटिक मटीरियल जीन्स एंड प्रेजेंट ऑन द डीएनए और हम मॉलिक्यूलर लेवल पे अब बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे हम जीन्स की मिक्स एंड मैचिंग करेंगे जो हमें सिर्फ डिज़ायर्ड करैक्टर चाहिए हम उसी जीन को एक्सट्रैक्ट करेंगे उसी जीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालेंगे ठीक है तो ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को मिक्स करके ई एफ बी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन दी उन्होंने बोला कि बायोटेक्नोलॉजी इज़ द इंटाग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस इंटेग्रेशन मीन्स मिक्सिंग ऑफ साइंस अब जैसे इसमें बायोकेमिस्ट्री भी है इसमें माइक्रोबायोलॉजी भी आ जाती है ठीक है और ऑर्गेनिज्म सेल्स हम ऑर्गेनिज्म ले सकते हैं उसके सेल्स ले सकते हैं या उसके सेल्स के कंपोनेंट्स को ही ले सकते हैं ठीक है एंड मोलिकुलर एनालॉग्स अब मॉलिक्युलर एनालॉग्स का मतलब है कि हम उस लिविंग ऑर्गेनिजम के साथ कुछ ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ऐसा मॉलिक्यूल जो है बनाएगा जो एक्चुअल में उसका नहीं है लेकिन हम टेक्निक के साथ उस ऑर्गेनिज्म में वो मॉलिक्यूल वो एंजाइम वो प्रोटीन पैदा करवा रहे हैं ठीक है किस लिए करवा रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बींग्स अग आगे चल के हम देखेंगे कि हमने इंसुलिन जो कि एक ह्यूमन जो है शुगर को कंट्रोल करने वाला प्रोटीन है वो हम बैक्टीरिया में प्रोड्यूस करवा रहे हैं ठीक है सो दिस इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ई एफ बी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अब दो प्रिंसिपल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के मेनली वन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड अदर इज़ केमिकल इंजीनियरिंग तो चलो हम पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग को देखते हैं जेनेटिक मीन्स आपको पता है व्हाट इज जेनेटिक्स स्टडी ऑफ जीन्स नोइंग एवरीथिंग अबाउट डीएनए ठीक है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम कुछ डीएनए के साथ कुछ जीन्स के साथ मैनिपुलेशन करेंगे ठीक है उनकी मिक्स एंड मैचिंग करेंगे चाहे हम उसको एक्सट्रैक्ट करके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालें ठीक है सो इट इज़ कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग और जब हम जीन्स को एक्सट्रैक्ट करके किसी और ऑर्गेनिज्म में डाल देंगे तो उसका फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ ये जेली फिश है हमने फाइलम सीलेंट्रेटा किया था फाइलम टेनोफेरा किया था क्लास इलेवेंथ में तो वो ऑर्गेनिज्म बायोलमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं वो रात को लाइट एमिट करते हैं तो वो ग्लो करते हैं तो हम चाहते हैं कि ये जो जैली फिश में जो जीन्स है जो प्रोटीन है जो लाइट एमिट कर रहा है वो वाला जीन हम फ्रॉग में डाल दें अब डालेंगे कैसे इसकी भी आगे हम करेंगे प्रोसीजर कि हम डायरेक्ट डाल सकते हैं या थ्रू वैक्टर्स डाल सकते हैं वो हम डिटेल में करेंगे लेकिन फिलहाल हम ये जीन इसमें डाल के ये चाहते हैं कि ये फ्रॉग भी ग्लो करे तो हमने क्या किया जीन्स की मैलिप्रेशन की अब इसमें हमने सिर्फ वही जीन डाला है जो ग्लो करने के लिए हेल्पफुल है अदरवाइज़ और कोई भी करैक्टर जेलीफिश का इसमें नहीं आएगा फ्रॉग में एक्सेप्ट फॉर द प्रोटीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोइंग ठीक है तो ये क्या हुआ जेनेटिक इंजीनियरिंग हुई क्लियर अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन क्या हुई बेटे फिर इट इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ डी एन ए टू ब्रिंग अबाउट द डिज़ायर्ड मॉडिफिकेशनस जैसे हमने देखा कि हम जो है जेली फिश का जीन फ्रॉग में डाल दिया उसकी मैनिपुलेशन कर दी फ्रॉग में हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिल गई फ्रॉक ग्लो करने लग गया रात को सो so, एक्चुअल में भी बेटे ये पॉसिबल हो चुका है साइंटिस्ट ने फायरफ्लाई जिसको हम जुगनू भी बोलते हैं रात को वो लाइट अमिट करता है ठीक है उसके जीन्स हमने टबैको प्लांट्स में इंट्रोड्यूस किए और टबैको प्लांट है जो रात को ग्लो करता है आप इमेजिन करो कि अगर हम ऐसे ही सारे प्लांट्स में ये जीन्स इंसर्ट कर दें विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग तो रात को तो स्ट्रीट लाइट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी प्लांट्स नेचुरली ग्लो करेंगे कितना ब्यूटीफुल लगेगा ठीक है कैसे पॉसिबल हो उसका ये ड्यू टू द जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इज़ ए ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ओके चलो जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग से हमने दो डी एन को रिकम्बाइन किया कि सपोज एक हमारे पास ये डी एन ए था इसका एक डिजायर्ड जीन जो हमें चाहिए था वो जीन हमने इस डी एन ए के साथ इंसर्ट कर दिया इस डी एन ए में हमने ये जीन इंसर्ट कर दिया अब ये जो हमारा डी एन ए है ये कौन सा डी एन ए हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्योंकि इसमें एक फॉरेन जीन आ चुका है सो जेनेटिक इंजीनियरिंग की है हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है तो इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दैट इज़ ज्वाइनिंग टूगेदर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड इंसर्टिंग इट इन टू द होस्ट ऑर्गेनिज्म टू इट्स मल्टीपल कॉपीज और टू इट्स प्रोडक्ट्स ये डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करते हैं क्लियर नाउ स्टेनले एंड कोहेन हर्बर्ट बोयर दो साइंटिस्ट थे एस कोहन एंड एच बोयर जिन्होंने 1972 में फॉर जो है दो डिफरेंट बैक्टीरिया लेके उनके जीन्स ट्रांसप्लांट किए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया ठीक है अब उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया था सलमोनेला टाइफी म्यूरियम कई बार पूछ लिया जाता है बेटे एग्जाम में इसके अंदर एंटीबायोटिक जीन था उसका जीन एक्सट्रैक्ट करके इन्होंने ई कोलाई में वो जीन डाल दिया और ई कोलाई क्या हो गया फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया बन गया उसके प्लाज्मा में क्या आ गया एक फॉरन जीन आ गया सो ये फर्स्ट टाइम जो एक्सपेरिमेंट था एस कोहेन एंड एच बोहर ने किया था टू फॉर्म द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई क्लियर अब सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज केमिकल इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग हमने अच्छी तरह से समझ ली केमिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि असेप्टिक कंडीशन या स्ट्राइल एटमोसफियर क्रिएट करना होता है हम नहीं चाहते कि जो हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है उसकी कॉपीज़ बनेंगी तो कोई और माइक्रोबियल कंटेमिनेशन बीच में आ जाए और वो भी अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू कर दे तो तो हमारे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं वो नहीं आएंगे सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेनटेन द ट्रायल कंडीशंस ताकि हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट की क्लोनिंग मिल सके क्लोनिंग मीन्स फॉर्मिंग मल्टीपल कॉपीज सो so, ये सेकेंड प्रिंसिपल है केमिकल इंजीनियरिंग ओके नाउ अब हमने दोनों प्रिंसिपल समझ लिए अब ये बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे की जाती है ठीक है तो हम देखते हैं इसके फाइव बेसिक स्टेप्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के तो मैं पहले आपको डायग्रामेटिकली थोड़ा जो है समझाती हूँ उसके बाद हम नोट्स पे जाएंगे तो फर्स्ट स्टेप है हमारा लेट्स टेक द पेन फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है सपोज हमारे पास कोई सेल है ठीक है ये उसका डीएनए है हमें डीएनए को आइसोलेट करना है सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा आइसोलेट द डीएनए। अब आइसोलेट करने के लिए मुझे सबसे पहले तो इसकी जो सेल वॉल है अगर ये प्लांट सेल है तो सेल वॉल ब्रेक करनी पड़ेगी सेल वॉल ब्रेक करने के लिए मुझे सेलुलेस एंजाइम चाहिए ठीक है कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं ये भी हम बाद में डिटेल में करेंगे अगर ये फंगल सेल है तो मुझे फिर कौन से एंजाइम चाहिए फंगल सेल की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है तो मुझे फिर काइटिनेस एंजाइम चाहिए होगा क्योंकि मुझे अंदर से डीएनए निकालना है अगर ये बैक्टीरियल सेल है तो बैक्टीरियल सेल की वॉल किस चीज़ की बनी होती है बेटे पेप्टाइडो ग्लाइकिन और एक तो बैक्टीरियल सेल है उसका जो है न्यूक्लियस नहीं होगा ऐसे ही पड़ा होगा उसका डीएनए तो पेप्टाइडो ग्लाइकिन को ब्रेक करने के लिए मुझे कौन सा एंजाइम चाहिए लाइजोजाइम चाहिए होगा ठीक है ये एंजाइम टीयर्स में भी होता है सिलाइवा में भी होता है ठीक है सो इस तरह से हम जो है डीएनए को आइसोलेट करेंगे डीएनए को आइसोलेट करने के बाद सेकंड स्टेप हमारा होगा कि हम जो डिज़ायर्ड जीन है उसको हम वेक्टर के साथ लगाएं। अब वेक्टर कोई प्लाज्मेट हो सकता है ठीक है टाइप्स ऑफ वैक्टर्स ठीक है उनके क्या फीचर्स होने चाहिए उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी ठीक है तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा टू फॉर्म द रिकम्बिनेंट डी एन कि प्लाज्मेट के अंदर हम जो अपना डिजायर्ड जीन है वो इंसर्ट कर देंगे ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया क्लियर थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा कि अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करना है ठीक है किसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है हमने होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करना है क्लियर जब हमने इंट्रोड्यूस कर दिया तो फिर हमारा फोर्थ स्टेप होगा लेट्स सीरेज द डायग्राम। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे जो हमारे ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके हैं होस्ट उनको हम सिलेक्ट करेंगे ठीक है सो हम क्या करेंगे ट्रांसफॉर्म्ड जो हमारी बैक्टीरिया हैं उनकी सिलेक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर्स ये भी आगे हम पढ़ेंगे फिफ्थ स्टेप में हम देखेंगे कि इनकी कलोनिंग हो रही है कि नहीं प्रोडक्ट इनका बनना शुरू हो गया कि नहीं ये सब चीज़ें हम देखेंगे सो दीज आर द फाइव बेसिक स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी चलो अब डायग्रामेटिकली इसको हम समझते हैं ठीक है पहले अब देख लो फर्स्ट क्या था हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर जीन हमने सेल में से निकाला सेकंड हमने उसको वेक्टर में इंट्रोड्यूस किया थर्ड हमने उस वेक्टर को होस्ट में जो है डाल दिया ताकि होस्ट की ट्रांसफॉर्मेशन हो सके होस्ट उस वेक्टर को एक्सेप्ट कर सके फोर्थ हमने सिलेक्शन की उस ट्रांसफॉर्म्ड सेल की फिफ्थ फिर हमने देखा कि जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स है क्या उसने वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए एन डिज़ायर्ड जीन की एक्सप्रेशन देना शुरू कर दिया क्या उसने प्रोटीन बनानी शुरू कर दी या नहीं तो ये हमारे पांच इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं चलो डायग्रामेटिकली समझते हैं फर्स्ट स्टेप क्या हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट तो ये जीनोमिक लाइब्रेरी है जैसे हमने सेल में से निकालना पहले फंगल सेल बैक्टीरियल सेल ठीक है प्लांट सेल किसी से भी हम जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं एनिमल सेल से भी निकाल सकते हैं तो यहाँ पे हम जिनोमिक लाइब्रेरी से ले रहे हैं जिनोमिक लाइब्रेरी साइंटिस्ट जो सेट करके रखते हैं उनके पास बहुत से डिज़ायर्ड जीन्स होते हैं जिनको वो प्रिजर्व करके रखते हैं तो वहाँ से हमने ये ग्रीन कलर वाला जीन एक्सट्रैक्ट किया दैट इज़ ह्यूमन इंसुलिन जीन जो हम जीन इंसुलिन बनाता है ठीक है प्रोटीन बनाता है जो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है ठीक है तो हम आर्टिफिशली इसको कैसे बनाएंगे तो हमने इस जीन को आइसोलेट किया सेकेंड स्टेप हमारा क्या था कि इंसर्शन ऑफ दिस आइसोलेटेड जीन इन द सूटेबल वैक्टर वैक्टर क्या होता है जो व्हीकल होता है जो फॉरन डीएनए को कैरी करके लेके जा सकता है ठीक है तो ये हमने कोलाई e में से इसका वैक्टर प्लाज्मिट ठीक है ये तो इसका जो है जेनेटिक डीएनए है क्रोमोजोमल डी ये प्लाज्मिक डीएनए है प्लाजमिट को बोलते हैं वैक्टर क्योंकि ये कोई भी फॉरन डी को एक्सेप्ट कर सकते हैं हमने इसको बाहर निकाल लिया बाहर निकाल के हमने इसको कट लगाया विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इनको मोलिकुलर सीज़र भी बोलते हैं हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पे अलग वीडियो बनाएंगे ठीक है कितने टाइप्स के होते हैं कैसे ये फंक्शन करते हैं क्लियर सो so, इसने जो है प्लाजमिक डीएनए को यहाँ से कट कर दिया और यहाँ पर हमारे पास ह्यूमन इंसुलिन जीन ऑलरेडी पड़ा है हमने इन दोनों को मिक्स एंड मैच कर दिया हमने गम लगाई इनको जोड़ने के लिए और वो गम कौन सी थी लाइगेज एंजाइम दे आर कॉल्ड मोलिकुलर गम वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का भी और लाइगेज का भी क्लियर तो अब ये हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको काइमेरिक डीएनए भी बोलते हैं ठीक है चलो थर्ड स्टेप देखते हैं थर्ड स्टेप में क्या हुआ हमारे पास ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था ये वेक्टर ने जो कैरी किया हुआ है फोरन डीएनए हमने इसको होस्ट टारगेटेड ऑर्गेनिज्म में डाल दिया ठीक है अब इसकी क्या हो गई ट्रांसफॉर्मेशन हो गई ठीक है इस बैक्टीरिया ने ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वेक्टर था उसको एक्सेप्ट कर लिया क्लियर सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेट डी एन ए इन टू द होस्ट फोर्थ स्टेप अब हमें देखना है क्योंकि बैक्टीरिया है अपने आप मीडियम में से उसने जो रिकॉम्बिनेट डी एन ए पिक कर लिया अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होंगे जिन्होंने लिया ही नहीं वो प्लाजमिट तो हमें ये नहीं चाहिए ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है कुछ बैक्टीरिया ने नॉर्मल वाला प्लाजमिट है उनका ठीक है उनके अंदर रिकॉम्बिनेट जो प्लाजमेट है वो नहीं एंटर हो पाया तो ये भी क्या है हमें नहीं चाहिए ये तो अनऑल्टरड वेक्टर है इसके ऊपर तो फॉरेन डीएनए है ही नहीं हमें कौन सा चाहिए फिर हमें ये वाला चाहिए जिस बैक्टीरिया ने रिकॉम्बिनेट डीएनए को अपने अंदर ले लिया वो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड हो गया हमें ये चाहिए तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया अब इसको सिलेक्ट कैसे करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं ठीक है आगे चल के हम देखेंगे फिलहाल हम क्या कर रहे हैं जनरल प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो हमने ये वाला अपना सेल सेलेक्ट कर लिया कि हाँ इसके अंदर फॉरेन जीन है जो आ चुका है अब हमने फिफ्थ स्टेप में देखना है कि क्या ये जो फॉरेन जीन है इसने अपना काम करना शुरू कर दिया ठीक है अब पहले तो ये जो ई e कोलाई है वो क्या करेगा मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई होगा तो इसके अंदर प्लाजमिक जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए एन वो भी मल्टीप्लाई होगा बहुत सी कॉपीज़ बन जाती हैं प्लाजमिट की 400 टू 500 तक कॉपीज़ बन सकती हैं इसकी प्लाजमिट की ठीक है तो हाँ हमें पता चल गया कि इसकी कॉपीज़ बन रही हैं ठीक है क्योंकि हम हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया को चेक करने के लिए सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं फिर हमने देखना है कि क्या यह जीन अपना काम कर रहा है इसकी रेप्लिकेशन हुई ट्रांसक्रिप्शन हुई ट्रांसलेशन हुई, हुई और इसने प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया इसने इंसुलिन बनानी शुरू कर दी ठीक है तो अब हम इस इंसुलिन को यूज़ कर सकते हैं कमर्शलाइज कर सकते हैं तो हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके टेक्निक लगा के हमने एक प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट क्या था ह्यूमन बेनिफिट के लिए था ठीक है सो दिस इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अब अगर आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो आपको इतने डायग्राम्स बनाने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स आप इसके फाइव स्टेप्स लिखोगे और ये वाला डायग्राम जो आपकी बुक में बना हुआ है आप यही बनाओगे ठीक है इसमें अब देखो फॉरेन डीएनए लिया दैट इज़ डिज़ायर्ड डीएनए जिसमें से हमें जीन चाहिए ये हमारा प्लाजमिट है दैट इज़ वैक्टर प्लाजमिट को हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया ठीक है रिस्ट्रिक्शन एंडो यूज़ होते हैं उसके बाद ऐसे ही हमने अपना डिज़ायर्ड जीन भी कट किया विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडो हमने इन दोनों को लाइगेज के साथ जो मॉलिकुलर गम्स हैं यहाँ पे हमने इसको मैच कर दिया और फिर इस री डीएनए को इस वैक्टर को हमने ई e. कलाई के अंदर इंसर्ट कर दिया ई कलाई मल्टीप्लाई करेगा उसकी कॉपीज़ बनेंगी और इन कॉपीज़ के अंदर भी रिकॉम्बिनेट डीएनए भी मल्टीप्लाई करेगा और फिर वो ट्रांसलेशन करके जो है प्रोटीन्स बनाएगा क्लियर सो दिस इज द जनरल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्लियर स्टूडेंट्स सो दिस इज ऑल अबाउट अवर टूडेज लेक्चर इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक अप द वेरियस टूल्स रिक्वायर्ड फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी Till then, study well, learn well and have a nice day.